M16 राइफल 700 से 950 राउंड पर मिनट में फायर कर सकती है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 3600 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर है, लेकिन इफेक्टिव रेंज 550 मीटर ही है। गन का आउटर लुक कुछ इस टाइप का है, जिसमें इसको कैरी करने के लिए हैंडल्स दिए हुए हैं। गन में फ्रंट एंड रियर साइट लगी हुई है, जिससे सोल्जर निशाना लगाते हैं। यह साइट एडजस्टेबल होती है टारगेट के अकॉर्डिंग। रात के टाइम में टारगेट मुश्किल हो जाता है, इसलिए फ्रंट साइट में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जो रात में लो लाइट को शो करता है। इस गन में आगे की तरफ हैंडगार्ड लगे हैं, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो इसके अंदर बैरल होती है, जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। इसलिए गन को यहाँ से पकड़ा जाता है, ताकि हाथों को हीटिंग की वजह से नुकसान ना हो। हैंडगार्ड के नीचे फ्लूटेड बैरल होती है। यह दो तरीके से काम करती है। एक तो जब फायरिंग होती है तो हीट को बाहर निकालने का काम करती है, और दूसरा फायरिंग के टाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यह कहीं फट ना जाए, इसलिए यह एक फिजिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है। गन में आगे की तरफ फ्लैश सप्रेसर लगा रहता है। जब बुलेट बाहर आती है तो एकदम से फ्लैश लाइट जैसी रोशनी होती है, क्योंकि बुलेट के पीछे हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली गैसेज होती है, तो फ्लैश सप्रेसर इन फ्लैश को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से जो भी सोल्जर फायरिंग कर रहा है वह अंधेरे में ब्लाइंड नहीं होगा। गन का जो ट्रिगर पॉइंट है उसके ऊपर लगा रहता है बोल्ट कैरियर, जिसके अंदर बोल्ट होता है और यही गन को लोड करता है। इसको समझने से पहले हमें इसके ट्रिगर मैकेनिज्म को समझना होगा। ट्रिगरिंग मैकेनिज्म में इसके कुछ पार्ट्स है। यहाँ पर ट्रिगर लगा हुआ है। जब हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो ऊपर लगा हैमर स्पीड में जाता है और फायरिंग पिन को स्ट्राइक करता है। इस गन में फायरिंग के कई मोड होते हैं। जब गन रेस्ट पोजिशन में होती है तो यह सेफ मोड में होती है। इसमें आप देखोगे कि ट्रिगर प्रेस नहीं होता है, क्योंकि यह जो सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है जो ट्रिगर को फिक्स करके रखता है। लेकिन जब सिलेक्टर स्विच को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं तो गन सेमी ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो जगह बन गई है ट्रिगर को मूव करने के लिए। जैसे ही ट्रिगर को प्रेस करेंगे ट्रिगर हैमर को रिलीज कर देता है और हैमर स्पीड में जाकर स्ट्राइक करता है फायरिंग पिन को। लेकिन जब बोल्ट कैरियर वापस पीछे की तरफ आता है तो यह हैमर को नीचे की तरफ पुश करेगा, जिससे हैमर डिस्कनेक्टर में आकर फंस जाएगा। हो सकता है जो फायरिंग कर रहा है वह ट्रिगर को रिलीज नहीं करता, तो यदि डिस्कनेक्टर नहीं होगा तो हैमर बोल्ट कैरियर के साथ में वापस चला जाएगा। तो जैसे ही ट्रिगर रिलीज होगा तो हैमर ट्रिगर में फंस जाएगा। जब गन फुल ऑटोमेटिक मोड में होती है तो इस टाइम यह कंटिन्यूसली फायर करती है। इस केस में तब तक फायरिंग होगी जब तक ट्रिगर को प्रेस करके रखा जाता है। लेकिन जब सिलेक्टर स्विच को ऑटोमेटिक मोड में लाया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिगर तो मूव कर सकता है, लेकिन डिस्कनेक्टर फिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही फायरिंग होगी तो बोल्ट कैरियर हैमर को पीछे की तरफ पुश करेगा और अब की बार हैमर ऑटो सीयर में फंस जाएगा। जैसे ही बोल्ट कैरियर पीछे से वापस आएगा तो ऑटो सीयर पर फोर्स लगाएगा, जिससे हैमर रिलीज होगा और फायरिंग पिन को स्ट्राइक करेगा। जब तक ट्रिगर को प्रेस करके रखा जाएगा तब तक गन कंटिन्यूसली फायर करती रहेगी, और जैसे ही ट्रिगर रिलीज करेंगे तो हैमर ट्रिगर में यहां पर फंस जाएगा और फायरिंग रुक जाएगी। अब बोल्ट कैरियर के मैकेनिज्म को देख लेते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोल्ट देखने में कुछ ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे लॉकिंग बोल्ट लग होते हैं। यह डिवाइस भी बोल्ट को लॉक करता है, जिसका नाम है कैम पिन। बोल्ट के अंदर फायरिंग पिन होती है, जो एक रोड जैसी होती है। जब हैमर फायरिंग पिन को स्ट्राइक करेगा तो फायरिंग पिन बुलेट के प्राइमर पर स्ट्राइक करेगी। बुलेट को आप देखोगे तो बुलेट में भरा रहता है प्रोपेलेंट, और इसका जो प्राइमर है वहां पर प्राइमिंग मिक्सचर भरा रहता है। जब फायरिंग पिन प्राइमर मिक्सचर को स्ट्राइक करेगी तो इसमें आग लग जाएगी और यह प्रोपेलेंट को बर्न करेगी। प्रोपेलेंट एक स्मोकलेस पाउडर होता है। जब यह जलेगा तो इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और केज का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह प्रेशर बुलेट पर पड़ेगा, जिससे बुलेट बहुत हाई स्पीड में 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में गन से निकलेगी। यह गैस बैरल के ऊपर गैस ब्लॉक लगा रहता है, और गैस ब्लॉक से लेकर बोल्ट कैरियर तक एक पाइप लगी रहती है, जिसको बोलते हैं गैस ट्यूब। तो यह हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली गैसेस बोल्ट कैरियर पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। इस फोर्स से बोल्ट अनलॉक हो जाएगा और बोल्ट कैरियर कैम पिन को पकड़कर बोल्ट को पीछे की तरफ पुल करेगा, जिससे बोल्ट के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड इजेक्टर केज को बाहर निकाल देगा।
जब बोल्ट कैरियर पीछे की तरफ जाएगा तो बफर स्प्रिंग लोड हो जाएगी और तुरंत ही स्प्रिंग बोल्ट कैरियर को वापस आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, जिससे बोल्ट मैगजीन में से न्यू बुलेट को लोड कर देगा और बोल्ट लॉक हो जाएगा। यदि आप इसका लॉकिंग मैकेनिज्म देखोगे तो बोल्ट जब अपनी जगह पहुंच जाएगा तो पीछे के प्रेशर की वजह से बोल्ट कैरियर कैम पिन से बोल्ट को लॉक कर देगा। बोल्ट का लॉकिंग मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है। जब राइफल ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग करती है तो सोल्जर के पास में बहुत सारे बुलेट वेस्ट हो जाती है, इसलिए इस गन में एक और मोड डिजाइन किया गया जिसका नाम है ब्रस्ट मोड। इस मोड के अंदर जब ट्रिगर को प्रेस किया जाएगा तो एक बार में 3 ही राउंड फायर करेगी। इस मोड में ट्रिगर मैकेनिज्म में हैमर के साथ में 2 डिवाइस को और इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है डिस्कनेक्टर कैम और ब्रस्ट कैम फॉलोवर। यहां पर एक बार में 3 राउंड फायरिंग के लिए स्प्रिंग क्लच को काम में लिया जाता है। जब ट्रिगर पुल किया जाता है तो हैमर फायरिंग पिन को स्ट्राइक करेगा। फायर के बाद में बोल्ट कैरियर हैमर को वापस पीछे लाकर ऑटो सीयर में सेट कर देता है। जब बोल्ट कैरियर वापस आगे की तरफ जाएगा तो हैमर रिलीज होगा और फायरिंग पिन को स्ट्राइक करेगा। सेम प्रोसेस फिर से चलेगी। यह प्रोसेस 3 बार चलेगी जब तक ब्रस्ट कैम फॉलोवर स्टॉप नोच तक नहीं पहुंच जाता। स्टॉप नोच साइज में बड़ी है, जब हैमर वापस आएगा तो यह नोच हैमर को पकड़ के रख लेगी और जब फायरिंग नहीं होगी तो ट्रिगर को रिलीज कर दिया जाएगा और हैमर ट्रिगर के लॉक में फंस जाएगा। एक बार साइड से भी आप इस प्रोसेस को देख सकते हो। गन के साइड में एक फॉरवर्ड असिस्ट प्लंजर दिया हुआ है। जब गन को रेगुलरली साफ नहीं किया जाता है तो जो फायर बोल्ट कैरियर को पीछे की तरफ पुश करती है उसके कार्बन की वजह से बोल्ट कैरियर वापस आगे नहीं जाता, अटक जाता है। तो इस प्लंजर को पुश करके आगे की तरफ फोर्स किया जाता है बोल्ट को। गन में मैगजीन में नीचे की तरफ स्प्रिंग लगी रहती है तो जैसे ही बुलेट निकलती जाएगी यह स्प्रिंग बुलेट्स को ऊपर की तरफ फोर्स लगाती जाएगी। इस मैगजीन में 20 से 30 राउंड ही होते हैं, इसके बाद में बदलना पड़ता है। इस तरीके से यह गन वर्क करती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।